अगर आप भी ब्लू हेवन के इस कॉम्बो पैक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसे परचेज करने का सोच रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उसके बाद कहीं डिसीजन लीजिएगा कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करना सही भी है या नहीं है। हे गाइस, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लू हेवन प्रोडक्ट, मेकअप फिक्सर एंड प्राइमर। एज यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास ये दोनों ही अवेलेबल है। मैंने इसे कुछ इस तरह के कॉम्बो पैक में परचेज किया था, बट अभी मेरे पास इसका कार्डबोर्ड अवेलेबल नहीं है, वो तितर बितर हो चुका है। बट कोई नहीं, आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इनमें पैसा इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। यहाँ पर इस तरह की कुछ आपको मिल जाती है ब्लैक एंड सिल्वर में पैकेजिंग। ये देखते हैं कि इसमें जो क्लेम किया हुआ है वो क्या सच में ही वर्क करता है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मिल जाता है ऑयल फ्री प्राइमर, विच इज गुड। अगर आप ऑयली स्किन के हैं तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस प्रोडक्ट। एंड यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फ्लॉलेस मेकअप बेस्ड प्राइमर है। एंड एक चीज सबसे बड़ी यहाँ पे ये चीज मेंशन है, फिल पोर्स एंड फाइन लाइंस। हम सभी जानते हैं कि हम प्राइमर इसीलिए ही यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो पोर्स होते हैं वो थोड़े मतलब ब्लर आउट हो जाएं, हाइड हो जाएं। और यहाँ पे फाइन लाइंस है, जो एजिंग लाइन हमारे हो जाती है, क्रैक्स आने लग जाते हैं, उसके लिए प्राइमर हमें यूज़ करना चाहिए फाउंडेशन से पहले। अब यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट आपको मिल जाते हैं। एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगा कि ब्लू हेवन जैसा ब्रांड, इंडियन लोकल ब्रांड, हमें इंग्रेडिएंट है वो मेंशन करके देता है। MRP मैं ऊपर साइड में मेंशन कर दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका टेक्सचर है वो कुछ इस तरह के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये मैंने लगा लिया है प्राइमर। लगाने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई प्रोडक्ट है वो अप्लाई भी किया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब बात करते हैं, देखिए ये कितने टाइम तक स्टे रहेगा। सबसे पहली चीज़ जो हम एक प्राइमर में देखते हैं कि कितने टाइम तक वो अपने फाउंडेशन को मतलब एक जगह रख सकता है ताकि हमारा फाउंडेशन हिले डुले नहीं। तो देखिए, मैं बात करती हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की कि सबसे पहले ये जो प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ, आप इसमें देख सकते हो कि लगभग मेरा ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, क्योंकि मैं इसे डेली बेसिस के लिए या फिर नॉर्मली मुझे लाइट मेकअप चाहिए होता है और मुझे कम टाइम के लिए चाहिए होता है, यानी कि 2 या 3, 4 आवर्स चाहिए होता है, तो मैं इस प्राइमर को यूज़ करती हूँ। सीधा सीधा सा फंडामेंटल है कि अगर आपको थोड़ा चाहिए ऐसा कि डेली बेसिस पे मेकअप, लाइट मेकअप चाहिए, तो यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट। यानी कि ज़्यादा लंबा कवरेज आपको नहीं देगा कि अगर आप इससे एक्सपेक्ट करो कि 9 से 10 घंटे या फिर 7 से 8 घंटे या आपके फाउंडेशन को ऐसा कि ऐसा स्टे रहने दे, ऐसा नहीं होगा। बट लाइट मेकअप के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पोर्स को बहुत कम हद तक ब्लर करेगा। एज यू कैन सी, मेरे फेस पे बहुत ही कम मतलब पोर्स है। अगर आपके बहुत ज़्यादा बड़े पोर्स हैं, अगर बहुत ज़्यादा बड़े वाले छेद हो चुके हैं, तो शायद इस पर वर्क नहीं करेगा और मैं कहती हूँ उस पर जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके बहुत कम हैं, छोटे छोटे हैं अगर आपके पोर्स, तो आपको डेफिनेटली ये प्रोडक्ट ट्राई करना चाहिए। तो MRP के अकॉर्डिंग, पैकेजिंग अकॉर्डिंग और मतलब मैं बात करूँ कवरेज वगैरह के अकॉर्डिंग, तो ये प्राइमर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस पर बिल्कुल जा सकते हैं। अब बात करते हैं इसी के दूसरे कॉम्बो में मुझे रिसीव हुआ था ब्लू हेवन का ये मेकअप फिक्सर। लेकिन जब भी आप फिक्सर परचेज कर रहे हो तो मेक श्योर ये चेक करना ना भूले कि जो पंप है वो कितना मतलब सही है, क्योंकि हम इसे जब अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो उसकी जो बौछार होती है, जो प्रोडक्ट है, इवन हमारे मेकअप पे वो आएगा या नहीं आएगा, ऐसा ना हो एक जगह ज़्यादा हो जाए एक जगह कम हो जाए, तो उसको हम चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर डूई ग्लो सिल्क मैट इफेक्ट। मुझे यहाँ पे एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, या तो मुझे कन्फ्यूजन है या प्रोडक्ट को खुद को ही नहीं पता है कि ये मैट फिनिशिंग देने वाला है या डूई फिनिशिंग देने वाला है। तो हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ, या फिर क्योंकि इस प्रोडक्ट ने मुझे कंफ्यूज किया है, क्योंकि ना तो मुझे ये डूई फिनिश लगा, ना ही मुझे समझ में नहीं आता कि मैट है। तो चलो, इसको तो हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले, मैं इसकी सारी चीज़ें आपको बाद में दिखाऊंगी, सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ अपने हाथ पे। क्यों किया है मैं ये बताऊंगी। मैंने कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ, इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ आपको ये लिखी हुई है 5 सेकंड क्विक ड्राई, यानी कि 5 सेकंड के अंदर जल्दी से ड्राई हो जाता है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है कि ज़्यादा आपको कोई फ़ैन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वेट ही नहीं करना पड़ेगा। पैराबिन फ्री है, कोई भी इसमें कहा गया है ऐसा कि मतलब कोई केमिकल वगैरह पैराबिन नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, MRP मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। देखो, आपके सामने मुझे शायद इसको लगाए हुए मतलब 50 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं। आप देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो इसने मुझे सही कहा कि जल्दी ही ड्राई हो गया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें पर्सनली लगी, अभी मैंने यहाँ पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ, मैंने इसे अप्लाई किया है, लेकिन मुझे ये स्टिकी लगता है शायद। देखो, मैं अगर आपको देखूँ, अगर मैं इस तरह से करके नहीं अगर हटाऊंगी तो मुझे खुद को फील होगा स्टिकी। सोचो, जब आपने मेकअप किया हुआ है और आप इस प्रोडक्ट को अपने स्प्रे कर रहे हो, लेकिन मैंने पर्सनली जब इसे यूज़ किया था भाई, इसने मेरे मेकअप को सत्यानाश कर दिया।
जी हाँ, सच में ही इतना मुझे ज़्यादा चिपचिपा लगता है, इतना ज़्यादा स्टिकी लगता है लगाने के बाद, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब तो हाँ मुंह धो लेना चाहिए। मैं तो मतलब इस प्रोडक्ट से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो ये प्रोडक्ट है मुझे, देखो मतलब पंप तो इसका बिल्कुल एकदम सही है जिस तरह का होना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पर्सनली फील होता है कि शायद ये मेकअप फिक्सर के नाम पर कुछ पानी में मिला के हमें प्रोडक्ट दे दिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर मैं इससे बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे इस प्रोडक्ट को लगाने में बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फ्रेग्रेंस की मैं बात करूँ तो 10 में से 2 नंबर दूंगी इसकी फ्रेग्रेंस को। लगाने के बाद ऐसा लग रही है जैसे कोई बियर की फ्रेग्रेंस, मतलब बहुत ही गंदी वाली स्मेल मुझे इसकी लगती है। इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में मैंने अपना पर्सनली आपको डेमो दे दिया है, रिव्यू बता दिया है। अब आपके ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ें, आप इस पर जाना चाहते हो या नहीं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर हाँ ये कॉम्बो पैक खरीदने में या डिसीजन लेने में इस वीडियो ने आपकी ज़रा सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।